आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ग्लोबल मार्केट में गिरावट के बीच घरेलू बाजार में मूंगफली तेल को छोड़कर सभी तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बाजार सूत्रों ने कहा कि शिकागो एक्सचेंज में लगभग 2% की गिरावट है, जबकि मलेशिया एक्सचेंज लगभग 5% कमजोर दिखा। वहीं सूत्रों ने कहा कि मौजूदा तेल कारोबार की ग्लोबल मंदी से देश का खाद्य तेल उद्योग के हर अंशधारक बुरी तरह से परेशान है। आयातकों की हालत बहुत खराब है और उनके बैंक का कर्ज डूबना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि पामोलियन तेल के आगे के जो आयात होंगे उसका भाव मौजूदा भाव से लगभग 20 रुपए किलो सस्ता होगा, यानी ये भाव लगभग 90 से 92 रुपए लीटर होगा। वहीं विदेशों में गिरावट का रुख होने से सोयाबीन और सरसों तेल, तिलहन, बिनौला, सीपीओ और पामोलियन तेल की कीमतें नुकसान दर्शा रही हैं। वहीं सूत्रों ने कहा है कि विदेशों में तेल तिलहन बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव है, जिससे सभी परेशान हैं और इस उठापटक से निकलने का एक ही रास्ता है कि किसानों को प्रोत्साहन देकर देश में तेल तिलहन उत्पादन बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।